ऐसे हाँ, लगते हैं व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं अच्छे लगते हैं, बोर तो नहीं होते? नहीं नहीं, इंटरेस्टिंग है। मायके तक ना जाने दे तो इससे ज्यादा प्यार उस औरत को दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि एक पति अपनी पत्नी। रेड हो जाता है मेरा फेस ना डेली देखो, और अभी तो थोड़ा सा ना मैं बाहर आई हूँ, मतलब बाहर आई तो कम लग रहा है वहां पे मैंने। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे आई थिंक। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और आज के व्लॉग में मेरे पास है भर भर के काम। कभी कभी उतना ज़्यादा काम होता है, वैसे ही आज है। जैसे कि मैंने कल कपड़े धोए थे, तो आज आयरन और सारी मुझे तय लगा के रखनी है। आप देख सकते हो, बस सुबह सुबह ही ले आई, और मैंने ये गए थे 8 बजे, अभी तब तक मैं सारे रूम कमर उमर रखा है। डस्टिंग के लिए भी लेके बैठी हूँ साथ में, आज डस्टिंग भी करूँगी, क्योंकि हफ्ते में एक दो बार ज़रूरी है डस्टिंग ना। तो आज सारे रूम की डस्टिंग, प्लांट्स में पानी, प्लांट को साफ, सब कुछ मुझे आज करना है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और होप कि आज मैं चार्ट भी बना दूँ, होप। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और फिर मिलते हैं। तो प्लांट में पानी मैंने दे दिया है, सारा पी भी गए प्लांट्स मेरे पानी, है ना। और ये सब वॉश करके रखूँगी अभी, सारा कपड़े से साफ करूँगी। हो जाता है डस्ट यार, देखो अब हो जाता है, देखो इस पर, देखो ये जहाँ से मैंने भी उतारा, देखना मेरा रूम भी इतना बंद रहता है, बट डस्ट तो हो ही जाता है। आज सारा रात ही मटका हमारा लीक होता है हल्का सा, तो सारा पानी भरा हुआ है इस तरफ ना। और मुझे आज इनके शूज़ धोने हैं, इतने सारे शूज़ धोने हैं मुझे, सारे 4-5 जोड़ी जो आपको दिख रहे हैं, सारे इनके शूज़ धोऊंगी आज। और ये कपड़े के पहले मैं तह लगाती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी। और मैं आज शूज़ वूज़ धोऊंगी तो लाऊंगी तो लेट, क्योंकि अभी ना लूँगी तो शूज़ धोने में 1 घंटा लग जाएगा, फिर भाई खाना वाना किसी का बनना नहीं, इसलिए पहले मैं खाना बनाऊँगी उसके बाद नहाऊँगी। पहले मैं ये कपड़े की तह लगा देती हूँ, आयरन वाले छोड़ दूँगी, वो खाना बनाने के बाद आयरन करूँगी। सो हो गया सारा रूम क्लियर, एकदम साफ दिखता है, बस इतना लीव्स बाकी है, मुझे गिल्ले कपड़े से करनी है लीव्स साफ, पेड़ की दोनों ये नहीं करा, और सब हो गया एकदम से साफ सफाई। कपड़े की तय बना के भी रख दी, आयरन वाले कपड़े जो थे ना, जैसे देखो लीव्स फिर हो जाता है ना गंदा, है ना, ऐसे दिखता है मुझे। न्यू पेड़, न्यू लीव्स आ रही है, मतलब पेड़ अच्छा चल रहा है, इसमें भी आ रही है न्यू लीव्स और उसमें भी आ रही हैं। और मैंने आयरन कपड़े यहाँ रख दिए, ये सारे मैं अभी प्रेस कर दूँ, फिलहाल चलते खाना बनाने, 8:30 हो गए। तो आज मिर्च बनाई है, तड़का लगाया है मिर्च में, बड़ी वाली मिर्च में, और टाइम पर रोटियाँ। हो गया खाना, पैक भी कर दिया, मशीन लग रही है आज, फिर कपड़े धो रही हूँ मैं, कर लेती हूँ प्रेस, खाना बना के तो मैं आ गई। 9 बज गए, 7:30 से लगी, देख लो आप, अभी तो मैं नहाई भी नहीं हूँ, शूज़ भी नहीं धोए, कुछ भी नहीं करा, बस ये थोड़ा बहुत काम हुआ आज तो रूम वो। और अब इतनी भूख लग गई, 1.5 घंटा हो गया भाई। देखो मैं सोचती हूँ डेली मैं कुछ खा लूँ, बट फिर काम 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 के चक्कर में ना हम अपनी तबीयत ख़राब कर लेते हैं। तो 5-10 मिनट रोक रख के खा ला करो आप लोग भी ना, कुछ लगातार काम करने से कुछ फ़र्क तो पड़ना नहीं है, काम तो वैसे भी करना है, खा पी लिया करो। तो मैं अपने लिए 1-2 सेब ले आई हूँ, और दूध ये कर लेती हूँ, फिर प्रेस करके और शूज़ धोऊँगी। सो मैं नहा ली, और हुआ क्या, जैसे ही मैं दूध लेके बैठी ना, तो मैंने व्हाट्सअप चेक किया सुबह से, अब तो मम्मी के मैस जाया हुआ था कि आज अमावस है और हमारे घर में किसी को याद नहीं, पर मैंने ना 6 को ही कहा था कि परसों अमावस है, बट उठते दिमाग से आज, क्योंकि आज बहुत सारा काम था तो निकल गया। मैं दूध पी रही थी, देखो मैं दूध सेब लेके बैठी थी, ये रहे सेब और ये रहे दूध, एज अ टीज मैंने वहीं के वहीं छोड़ दिए, मैंने ली नहीं थी। हाँ मैंने पानी ज़रूर पी लिया था सुबह से, फिर मैंने प्रेस व्रेस सब छोड़ी और मैं नहाने गई। मैं नहा के, क्योंकि शूज़ तो मुझे धोने थे नहाते टाइम ही, तो मैं नहाई, सारा बाथरूम धोया, सारे शूज़ वूज धोए, और क्योंकि फिर बाद में धो नहीं पाती नहा के बाद, तो बाल्टी भर के धो दिया, यहाँ से सारा साफ बाद में करूँगी, फिलहाल चलती हूँ मैं पूजा में, जोत वोत साफ करती हूँ, अमावस निकालती हूँ। 10 बज गए हैं, पर करूँ क्या, कपड़े भी हो गए हैं, ये भी छत पे सुखाने हैं, बहुत सारा काम है दोबारा से, चलो शुरू हो जाते हैं।
हो गई पूजा, निकाल दी मैंने अमावस, अब चलते कपड़े सुखाने। ओके सुखा दिए, सांस चढ़ गई, मैं थक गई अब तो भाई, 11 बज गए अब मैं थक गई, और तो जो कपड़े धोए थे वो तो सुखा दिए मैंने, बट प्रेस बाकी है, कभी कभी तो इतना काम हो जाता है। और मैं सोच रही थी चाट भी बनाऊंगी, पता नहीं 11 तो बज गए, अभी 1 घंटे में इनके खाने की तैयारी शुरू हो जाएगी, फिर कहाँ ही चाट बनाऊंगी, देखती हूँ जाके, क्योंकि मैं अपनी मैं आज एडिट कर लूँगी एक ब्लॉग और रील डाल लूँगी, बट लग नहीं रहा मुझे कुछ होगा। अब 1 घंटे में क्या क्या करेंगे देखते ही, कपड़े दे मेरे कम ही सुखाए, धोए हैं मैंने आज अपने 2 चक्कर ही धोए थे बस, इनकी 3-4 शर्ट है और मेरे 2-3 सूट, टॉवल है। चलो सो ये आ गए और पार्टी करके आए हैं स्कूल में से, आज मेंटोर आया था तो इन्होंने ना ब्रेड पकौड़े और ये सब मंगवा लिए थे, तो फिर इन्होंने बोला मेरी बस एक बनाइयो, पहले बोले मेरी बस एक बनाइयो क्योंकि मुझे बनाना था खाना, फिर बोले एक भी मत बना, मुझे तो भूख है ही नहीं। कितने खा के आए हो? आधे में तो बहुत भूख खत्म हो गई है आपकी, आ जाओ खा लो खाना, मुझे पता क्यों नहीं खाए क्योंकि सब्जी है नहीं, ये छोक रखी है मिर्च, ये तो मुझे भी इनको देख के आधी भूख तो मेरी भी मर गई, इसलिए मैंने एक ही रोटी लाई हूँ, मैं भी बिना सब्जी वब्जी के खाना नहीं खाया जाता, लेकिन बस मेन खाना खाने का रीज़न है राबड़ी, क्योंकि आज राबड़ी बनाई थी कल शाम को, और मुझे पता है कि आप लोग बोलोगे कि राबड़ी की रेसिपी शेयर करो, तो ज़रूर करूँगी टाइम के साथ। तो राबड़ी बनाई थी, थोड़ा नमक कम लग रहा था इसे मैं डाल लाई आपकी में भी, हाँ तू मेरे ते तू मेरे ते क्या। और आज आपने नहीं खाया ना, ना मेरा सैलेड काटने का मन किया, लेकिन हाँ मिर्च सबसे क्या ही सैलेड काटती मैं। अच्छा नहीं लग रहा मुझे ऐसे खाना खाते टाइम, जब तक मेरी 4-5 चीज़ें मेरी प्लेट के साइड में ना रखी हो ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैं क्या ही खा रही हूँ। आ जाओ एक चम्मच तो देख लो खा के, एक वो क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हो आते ही, मैं खा लेती हूँ ठंडी हो जाएगी, एक चला रखा है ना, अब इनको आती नींद आ गई, इतना बढ़िया खा के आए अब इनको नींद आ गई, 4-4 समोसे और 3-3 ब्रेड पकौड़े कोई अकेले अकेले कैसे खा के आ सकता है, इतनी भी शर्म नहीं है कि एक तो घर ले जाओ, नहीं उन्हें पूछा था पर मैंने मना कर दिया कि बाहर का नहीं। लगा ले तू हल्दी लिपस्टिक, वैसे तो ऐ मुझे था कोई नहीं मिलेगा, बट मिले सब्सक्राइबर्स मिले थे मुझे, सब्सक्राइबर तो मुझे है कि थोड़ा सा कर लेते हैं, वैसे भी गांव के ऐसे लेडीज होते हैं काफ़ी सारी, तो वो पहचानते हैं कि ऐसे बहू है गांव की, तो वैसे भी मैं चूड़ी तो पहनी नहीं आज एक भी, क्योंकि मेरी इसमें ना ये बहुत ज़्यादा छिलता है, पहनते टाइम बहुत ज़्यादा लगती है नेक्स्ट लेवल, तो मैं पहन नहीं रही हूँ कि मेरा हाथ कट गया दोनों दिन, ये वाली ना ये बहुत लगती है नीचे से, इसलिए मैं नहीं पहन रही हूँ ये, और देखती हूँ कुछ, ये भी सारी छिलें गई है, ऐसे है नहीं ये बिना छिलने वाले ना, ठीक है चलते हैं पार्क में। तो मैं आज यही बोल के आई थी सब्सक्राइबर ना मिल जाए, और मिल गए। तो कैसे हो? अच्छी है। ये मुझसे स्पेशल मिलने आए हैं, इन्होंने 2 दिन पहले वीडियो कॉल की थी और आज मुझसे मिलने आए, कहाँ से? हम नजोगढ़ से, धर्मपुरा से। यहीं पे यहीं, आपको पता था मैं भी यहीं पे रहती हूँ, आइडिया हो गया था ये रस्ते वस्ते देख के व्लॉग में कि रहती तो यहीं है, आसपास कहीं है, आइडिया हो गया था साईं बाबा मंदिर से, हाँ मैं मूर्ति थी तब पता चल गया था, और वैसे पता चला था कि आप क्योंकि आपने व्लॉग डाला था ना तीजो का, तब उसमें ना वो जो मेरे पड़ोस में रहती है ना, अच्छा की उसकी शादी कर रखी है, उसकी बेटी है कनिका, वो उसमें आई थी व्लॉग में, तब मैंने उसका आइडिया लगाया था, अच्छा मैंने उससे पूछा था, तब उसने बताया कि यही की है, यही की है। और बताओ और बढ़िया कैसे लगते हैं व्लॉग? बहुत अच्छे लगते अच्छे लगते हैं, बोर तो नहीं होते? नहीं, इंटरेस्टिंग है। हाँ। बनाते हो जो मैं बनाती हूँ? नहीं ये कोई नहीं बनाता, ये मतलब टाइम ही नहीं मिलता, हाँ ये हो गया है, फिर मुझे तो करना भी पड़ता है जीभ के लिए, मेरी तो जीभ ही नहीं रुकती। ठीक है कल फिर आना,
ठीक है फिर भी लेंगे ओके ले लिया ओके ठीक है ओके हाँ तो मैंने बहुत देर तो बात करी फिर मैंने इनके दो दिन पहले वीडियो कॉल आई थी इनकी फ्रेंड ने मुझे देख लिया था पार्क में फिर उन्होंने दिखाया था और आज ये खुद मिलने आया अच्छा लगता है ना बेशक व्यूज़ कम आए लेकिन लोग तुम्हें जानते यही बहुत है क्या है ना चलो अच्छा लगा आपको आपको मेरी तो थोड़ी मिलने आए हाय ऐसा थोड़ी होता है अब हम दोनों ही हैं सब हम दोनों को ही जानते हैं एक साथ मुझे थोड़ी ना अकेले को कोई वो तो आप हो तभी तो मैं हूँ आज मोमोज खिला दो फिर चलो कौन सा वाला गंदे वाले मतलब जो बिल्कुल ही हाथों के जिसमें स्वाद हो ना टेस्ट का है टेस्ट यहाँ है वो वाला दो लिया जी चलो घूमते हैं फिर आज मनीष भैया भी आएंगे फिर मिलवाती हूँ रेड हो जाता है मेरा फेस ना डेली देखो और अभी तो थोड़ा सा ना मैं बाहर आई हूँ मतलब बाहर आई तो कम लग रहा है वहाँ पे मैं निकली तब दिखाती ना आपको तो ये ना सारे चीक से और ये हाथ ऐसे बंद नहीं होते थोड़ी देर के लिए ना सारा ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है नीचे हाथों की तरफ पहलवान हो गया पहलवान चलो घर चलते हैं सुमा आगे घर पे कोई है नहीं और मेरा खिचड़ी खाने का इतना मन था मतलब जितना मैं बता नहीं सकती बट जो मन हो ना वो ना हो कल सब्जी खाने का मन था कल सब्जी नहीं थी सुबह खाने का मन था सुबह दोपहर में था फिर मैंने छोक लगाया अब खिचड़ी खाने का मन है अब दाल है भाई साहब नहीं खानी दाल मुझे मेरा मन ही नहीं है दाल खाने का क्या आ गई इन्होंने फोन किया कि मैंने इनको ना वही बता देता पार्क में ही कि मेरा खिचड़ी का मन है खिचड़ी का मन है तो इन्होंने बोला है मैंने बोली नहीं है बोले मैं भिजवाता हूँ इसलिए बोलते हैं ईस्ट और वेस्ट पति इज द बेस्ट पति इज द बेस्ट आ गई अब मुझे दाल नहीं खानी पड़ेगी क्योंकि परसों भी दाल ही खाई थी दोनों टाइम मैं छी जाती हूँ कभी कभी दाल वाल से मेरा कोफ्ते खाने का मन होता है ना मैंने घिया देख ली तब माई तो एक लेडी घिया लेके आ रही थी तभी से मेरा सुनोगे कोफ्ते खाने ऐसा ना चलो सही है अब बन जाएगी दिल हैप्पी वेरी वेरी हैप्पी खाने का मिल जाए जो चाहिए और तो फिर क्या ही चाहिए मैं जूस नहीं पी के आया मुझे भरा था कि मैं पी के आऊँगी फिर हम पी के नहीं आए कि चलते हैं घर ना मैंने बोला फिर पेट भर जाएगा मुझे तो खिचड़ी ही खानी है और तब मुझे था कि नहीं आए कि शर्ट यार खिचड़ी भी नहीं मिली और जूस भी नहीं मिला ठीक है मेरा घर जाने का बहुत मन कर रहा है आप लोग सोच सकते हैं मैं इस टाइम कितनी ज़्यादा मुझे अपना घर चाहिए अब ना प्लीज़ ना फालतू के मत बोलना ये भी घर है वो भी घर है प्लीज़ ये सब रहने देना आप लोग कभी नहीं समझोगे और ना मुझे किसी को अब समझाना है बस थक गई हूँ मैं अब तो मुझे ऐसा है कि मैं अपने घर जाऊँ और कम से कम ना वैसे तो मुझे इन्होंने 5 डे ज़्यादा छोड़ा नहीं है क्योंकि इनका ये सोचती है मुझे खुद बोलते मैं पूरे दिन अकेला जाता हूँ फिर वो तो है ही भाई फ़र्क तो पड़ता ही है मेरे जाने क्योंकि मैं चिची करती रहती हूँ बट अब मेरा घर जाने का इतना मन करता है और कर रहा है मैं मार्च में गई थी तभी ये कहीं बाहर गए थे 5 दिन के लिए उसके बाद आधा मार्च और पूरा अप्रैल एक दिन मैं सिर्फ मिलने गई थी आधे घंटे भी मतलब बस पिज़्ज़ा खा के आ गए थे उसमें यार कुछ नहीं होता वो नहीं होता बस मैं अब थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ हर 1.5 महीने 2 महीने बाद रेस्ट चाहिए शरीर को भी और अपने आप को भी डेली की भाग दौड़ी वाली ज़िंदगी से कि ये करो वो करो ये करना आज वो करना आज ये करना वो करना इससे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ही चाहिए मायके जाके जो सुकून और शांति तुम्हें मिलती है वो तुम्हें मुझे मम्मी कहते हुए खाना है मुझे बैठना है मैं चाहती हूँ मैं बैठूँ और मुझे खाना मिले आगे ना ऐसे ला ला के ले बेटा ऐसे वो चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ कि कभी कभी तुम थक जाते हो ना बना बना के और अपने हाथ का इतना अच्छा नहीं रहता इतना अच्छा ऐसा है कि हम बैठे और मिल जाए वो चीज़ें तो मैं अभी बहुत ज़्यादा ऐसा है कि बस मैं मम्मी को लिखती रहती हूँ मैं आऊँ तो ये बनाना मैं मम्मी को ना आप लोग यकीन नहीं करोगे मैंने मम्मी को अभी तक ना 15 चीज़ें लिख लिख के भेज रखी होगी कि जब मैं घर पे आऊँ ये बनाओ हर चीज़ में लिख लिख के जब मुझे था ना अब ये खाने का बनाना लिख देती हूँ मम्मी ये बनाना मेरे लिए तब मैं आऊँ ऐसा हो रहा है मेरे साथ
क्योंकि अपना ना अपना मेरा इतना भी वो नहीं होता कि मैं अब रात को अब क्या है दाल है और रोटियां बनाऊंगी। 8 बज गए ये लगा लो आप, 7:30 आई थी मैं, थोड़ा सा मैंने हाथ पैर धोए अच्छे से फ्रेश अप हुई, अब मुझे है खाना बनाऊंगी, फिर खाना वाना बना के बैठूंगी, फिर मुझे एडिट वेडिट करना रहता है तो जल्दी होती है और सुबह तो इस तरह जल्दी होती है। कभी कभी होता है मुझे कि मैं बस अपने हाथ का खा लूँगा ना ऐसे टिक्की विक्की, लेकिन आज तो स्प्राउट्स की टिक्की बनाने का भी मन नहीं है। चलो कोई नहीं, खिचड़ी आ गई है, अब खिचड़ी खाऊंगी मैं, पूजा कर लेती हूँ। सो बना दिया खाना, सब बना के रख दिया मैंने, 8:50 हो गए हैं। ये सारा सामान यहाँ पे इस दुनिया भर की बोतल वोटल पता नहीं क्या क्या रखी थी, सब साफ सफाई कर दी मैंने, ठीक है ऑल क्लीन। मेरी खिचड़ी रखी है अभी तो 9 बजने वाले हैं। पहले मेरा मन था कि मैं नहा लूँगी, बट आज ना मुझे 2-3 चीज़ों के शूट करना है तो वो आएंगे ना, तब तक मैं इन्हीं आउटफिट इसी आउटफिट में रहूँगी ताकि फिर मैं चेंज करूँ और इस सूट में वीडियोस बनाऊँ, फिर मैं चेंज करूँ फिर दूसरे पहनूँ, तो इसलिए एक वीडियो काफ़ी पेंडिंग है, मुझे उसमें काम करना है तो मैं चेंज नहीं कर सकती आज, मैं वेट करूँगी इनका फिर मिलते हैं। शूट टाइम ये आए इन्होंने 15 घंटा, अभी हमने रिंग लाइट सब कुछ हटाई है, फिर मैंने शूट करा, इन्होंने हटाई है सब कुछ, उन्होंने करा, मैंने आउटफिट भी चेंज कर रखा है, आउटफिट चेंज कर रखा है, लिपस्टिक भी लाइट लगाई, चप्पल ही पहन रही हूँ मैं देखो, तो इतनी रात को अभी खाना नहीं खाया, ये सब कुछ पार्सल ऐसे गिरे हुए हैं, आज मैं संभाल के रखने का कोई मेरा ऐसा मूड है नहीं क्योंकि मुझे भूख लगी है और मैंने खाना नहीं खाया है। चलो पार्क में खा के जाऊँ तो आके नहीं खाती, लेट हो जाती हूँ, खिचड़ी मम्मी 9 बजे आई, फिर आने के बाद मम्मी ने बनाई, फिर ये आगे मैंने बोला शूटिंग कर दो खाने के बाद, फिर मैं चेंज कर तो टाइम लग गया। ये आए थे चलो छोड़ो, ये आप ये कपड़े नहीं पहनते वरना मैं इनको बताती हूँ कब आए थे, लेके आती हूँ खाना खत्म होने के बाद लोग में दिखाया ही नहीं बस रुक दो। तो हम देख रहे हैं अमर सिंह चमकीला आजकल, ये इसकी आप लोगों ने प्रीति और दिलजीत की बहुत सारी रील देखी होगी ना, ये नया जो सॉन्ग आया है, नया सॉन्ग जो आया है इनका, तो ये टॉप 10 चल रही है फिलहाल नेटफ्लिक्स पे, तब हमने देखी थी इससे पहले, तब ये टॉप 2 और 3 पे भी थी, लेकिन हमने फिर ना हम मुझे देखते हैं 1, 2, 3 जो टॉप ट्रेंडिंग है उसके बाद लास्ट की। वैसे आज हम कोई वो वाली मूवी देखते हैं क्राइम व्राइम की है ना, थ्रिलर साई-फाई साइंस फिक्शन मूवीज, साइंस फिक्शन मूवीज, कॉमर्स फिक्शन देखे हमारे पास कॉमर्स है, यस हम कॉमर्स वाले हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरा घर जाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है अभी, और मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो उसका रीज़न सबसे बड़ा एक ये है, सबसे बड़ा रीज़न बस एक ये है कि किचन में काम होगा और किचन के सारा सामान बाहर आ जाएगा, तो बस मैं वो थोड़ा सोच रही हूँ, वरना मैं थोड़ी सेल्फिश हो जाऊँ तो भाग जाऊँ क्योंकि ना बाहर का सारा ड्राइंग रूम हो गया है, वो बोल रहे थे कि अब वो तब आएंगे 2 दिन में वर्कर, तो वो 2 या 3 वर्कर लेके आएंगे एक साथ, और फिर आते किचन खाली होगी, और फिर 2-3 वर्कर लेके तो थोड़ा जल्दी काम होगा किचन का। देखो मुझे पहले तो पता था कि कहाँ तक क्या होगा, अब मुझे पता नहीं है, वैसे जितनी कोशिश होगी मैं पूरा अच्छा ही करवाऊंगी, क्योंकि बार बार ये चीज़ें नहीं होती है, एक बार बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं है और ख़राब है, अब मैं चाहूँगी कि पूरी किचन मेरे हिसाब से हो, और क्योंकि मुझे ही रहना है यार, और मैं भी वैसे भी ज़्यादातर लेडीज़ की वो बोलते नहीं कि लेडीज़ की आधी ज़्यादा ज़िंदगी जाती है किचन में, तो ये बात भी सच होती है कहीं ना कहीं, उठते ही लग जाओ किचन में, और सबसे पहले ये सोचो कि अभी भी मुझे ये हो रहा है कि मैं ड्राई फ्रूट्स भिगो के नहीं आई हूँ, जाना पड़ेगा, चने और इनके स्प्राउट्स भी नहीं भिगो के आई हूँ, एक बार वापस से जाना पड़ेगा, तो बस इसलिए मैं हूँ ऑनलाइन का, अब ऑफ हो जाएगा 1-2 दिन में, और फिर ऑफ होने के बाद मुझे पता है फिर तो बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे, भेज दोगे ऑफ होने के बाद मुझे घर पे, सच्ची अभी छोड़ाओ क्या पता कल आपका मूड बदल जाए। मुझे एक रील भेज रखी थी इन्होंने, मुझे अपने फोन देना एक बार प्लीज, एक चीज दिखाऊंगी प्लीज प्लीज ना, मैं अपने आप दिखाऊंगी, मुझे फोन दो फेट, आप लोगों को चीज दिखाती क्या भेजी थी मेरे पास आज, जो मैंने आपको भेजा आपने वो देख ली, हाँ। ये देख ली क्या खाना है, बताओ बता ही नहीं पा रहे क्या खाना है
वेट वेट मैं आपको बताती हूँ उन्होंने मुझे क्या भेजा है। मायके तक जो पति अपनी पत्नी को मायके तक ना जाने दे तो इससे ज्यादा प्यार उस औरत को दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि एक पति अपनी पत्नी पर तभी पाबंदी लगाता है जब वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जो पति अपनी ठीक है रुको एक चीज और एक दिखाते हुए अच्छे दिखा अकेले खाने का मन नहीं कर रहा, कोई नहीं बोल रहा मैं तेरे लिए मैगी बना दूं, कोई बाहर छोड़ने तक नहीं आया तब मैं ऑफिस गया। वीडियो कॉल पे पूछ रही है याद आ रही है तो वीडियो कॉल पे हंस रहा है। आज भेजी आज सुबह की रील सही जो उन्होंने मुझे भेजी थी। सच में ऐसा होता है? एक बार अपने मुंह से बोल दो, एक बार अगर आप ये बोल दोगे गलती से सेंड होगी यार, तेरे बोल दोगे ना सच्ची गलती से सेंड होगी तेरे पास, मैं कहीं और भेज रहा था ये वीडियो। मायके जाने का किसके पास भेजोगे आप? मैं किसी और के पास। अगर आप एक बार बोल दोगे ना कोमल सच्ची, अगर आप एक बार बोल दोगे ना कोमल सच्ची, बता दे पता नहीं क्या मेरे नेल सेढ़ा बड़ा हुआ है थोड़ा, बोल दो ना सच्ची बताओ क्या बताऊ। ये जो आपने मुझे रील भेज मन्ना भेज रहा कितने मेरे फोन तो अपने पास भेजी। ओह माय गॉड ओह माय गॉड। बट अब तो देखो है ही जाना तो है ही अब मुझे, क्योंकि अब 2 महीने होने वाले हैं और थोड़ा सा आई वांट टू रेस्ट, माय माइंड वांट रेस्ट, माय बॉडी वांट रेस्ट, माय होल जिस्म वांट रेस्ट। अब मुझे ऐसा है कि मैं थोड़ी देर बैठू और बोलू मम्मी आज बना दो नमकीन चावल, मम्मी आज ये बना दो ना, अब मुझे हुक्म देने का मन करता है अपनी मम्मी को, है ना? तो वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है पता, जब तुम अपने घर जाते हो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद चीज भी बनाए, वाह वाह वाह। और तुम पापा हम जाते हैं ना हमेशा पापा उस दिन मिठाई ले आएंगे रात को घर पे और कुछ कुछ लाते रहेंगे, फ्रूट्स वूट्स तो चलो नॉर्मल है हमारे घर पे लेकिन कुछ ना कुछ लाते रहेंगे हमारे लिए। लास्ट टाइम इतनी मौसमी और गाजर लाए थे मम्मी ने, मुझे चारों दिन मौसमी गाजर और चकुंदर का जूस पिलाया था। बट जाऊंगी तो मेरी बहन के साथ ही, वो भी जाएगी, मैं जाऊंगी तो वो पक्का जाएगी, क्योंकि हम सोचते हैं कि साथ रहने का बहुत कम मौका मिलता है, टाइम चेंज टाइम फ्लाई। और रीति बेबी भी है तो उसके साथ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा अपनी बहन, मेरी बहन और मतलब रीति को बहुत प्यार करती हूँ मैं ना, बहुत ऐसे वो ना बहुत जल्दी तुम्हारी लाइफ में कोई आए और तुम्हें वो अपना लगे और तुम उससे इतना प्यार करो, सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं उसको हमेशा करूँगी, क्योंकि वो पहला बच्चा है हमारे घर पे, भाई हमारा घर का तो पहला ही है हमारे घर का, इन द सेंस मेरे मायके में। हाँ पहले हम पांच की पहले हम पांच की फैमिली थी, फिर हमारे दोनों के हस्बैंड आए, फिर हमारे बेबी आए, अब मेरी भाभी आएगी कभी, तो फिर वो अलग चीज़ें हैं, है ना, टाइम बढ़ेगा फैमिली इंक्रीज होगी, बट अभी के लिए हम सब की जान बसती है, हम डेली देखते हैं उसको वीडियो कॉल पे। मतलब कभी ऐसा होता है, लास्ट ना पिछले हफ्ते हुआ कि 2 दिन मैंने नहीं की, तो तब तीसरे दिन फोन आया, मुझे लगा पता नहीं कितने दिन बाद मैंने रितिक्षा को देखा है, मैं भी कहीं बाहर थी वो भी कहीं बाहर चली गई थी तो बात नहीं हो पाई थी। तो ऐसा है डेली एक बार तो हम चारों करते ही वीडियो कॉल, क्योंकि अच्छा लगता है ऐसे रीति को देखना। और पता है वो ऐसे की अरुण मम्मी को देखेगी ऐसे हंस के कि मतलब वो पहचान लेती है ना मुझे, लेकिन अब वो बड़ी हो रही है, अब उसके दांत भी आ गए हैं नीचे के भी ऊपर के भी, और अब वो खड़ी होती है प्रॉपर अपने एक हाथ से, आप लोग उसकी रील देखना वो कितनी ज़्यादा शैतानी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो जल्दी ही मैं देखती हूँ जैसे इनकी छुट्टी पड़ेगी ना, तो थोड़े दिन के लिए तो देखो जाऊंगी मैं सोच रहा हूँ जितनी जल्दी किचन पूरी हो उतनी जल्दी मैं खिसक लूँ, वैसे भी बाहर किचन जाएगी तो भी बस देखते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है तो आज के व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करें, कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए। और आज मुझे अपने 3 सब्सक्राइबर मिले, एक तो मैं बाइक पे थी तो बोल रही इंस्टाग्राम वाली ऐसे ऐसे इन्होंने बताया मुझे। अच्छा लगता है ना, वो पास थे बट कोई नहीं मैं समझ गई थी वो मुझे पहचानते हैं। और वो मिले पार्क में और भी
हाँ बट ना पास लेते, एक मैं खड़ी थी ना पानी में, तुम मुझे बोल रहे वो तुझे बहुत देर से देख रहे, वो तुझे बहुत देर से, मुझे लग रहा है वो तुझे जान गए, मुझे लग रहा है वो तुझे जान गए। लेकिन मैं फेस कवर नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सांस नहीं आएगी, मेरा दम घुट जाएगा, इसलिए कि कोई देख रहा है तो देखने दो, कोई बात नहीं। बट कितना अच्छा लगता है कि यार कोई तुमसे मिलने के लिए स्पेशल अपना काम वाम सब छोड़ के स्पेशल तुमसे मिलने के लिए आया, कितनी अच्छी बात है, वेरी वेरी हैप्पी फीलिंग है मुझे, है। ओके गाइज, आज मेरा फेस कितना क्लीन है यार। अब आप बोलोगे स्किन केयर, भाई कोई स्किन केयर सूट नहीं कर रहा मेरे पे, थोड़े दिन बाद बताऊंगी आप लोगों को। देखना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक पिंपल था बहुत दिनों से, जिद्दी पिंपल, ये आज बैठा है सुबह, और मेरा फेस अब बिल्कुल क्लीन है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और क्योंकि मैंने अपनी मन पसंदीदा खिचड़ी खा ली है, तो मुझे और अच्छा लग रहा है। तब मैं आई ना पांच मिनट चिड़चिड़ी में बोल रही हूँ, मुझे दाल खानी ही नहीं है भाई, मुझे खानी ही नहीं है, सब्जी सब्जी, क्योंकि मैं चावल नहीं खा पा रही, इसलिए मैं वो खाना था। और फिर तभी उन्होंने फोन किया, मुझे पूछा खिचड़ी दे, खिचड़ी भिजवा दो, मैंने बोला भिजवा दो यार, ये भी क्या पूछने वाली बात है। मैं पता क्या सोच रही, मैंने स्विगी किया था डाउनलोड कि देखती हूँ किसकी खिचड़ी आएगी बन के या नहीं, लेकिन दोस्तों खिचड़ी बनवाने की वो नहीं थी मेरी। चलो कोई नहीं, कल मिलते हैं गाइस, ऐसे में बात पता नहीं कितने घंटे कर सकती हूँ। बाय बाय टाटा, किसी और को भी लाओ बैठने के लिए, फिर ओह बाय कर दो, बाय।